सिवनी मालवा ऐतिहासिक धरोहरों से भरी हुई है। नगर में अनेक प्राचीन मंदिर हैं, पर 1300 साल पुराना शिव गणेश मंदिर का अपना इतिहास है। इस मंदिर में एक ही पाषाण पर बनी अद्भुत प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति के साथ रिद्धि सिद्धि है और मूर्ति के पीछे कल्प वृक्ष है, जिसमें से नागदेव गणेश जी के सिर पर निकलकर दर्शन दे रहे हैं। प्रतिमा के ठीक सामने नंदी विराजमान है, जो कि बहुत ही कम मंदिरों में देखने को मिलता है। वही मंदिर परिसर में भक्तों ने अनेक प्रतिमाओं को स्थापित कराया है। वैसे तो इस मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वही शिवरात्रि पर मंदिर में पूरे नगर सहित ग्रामीण अंचलों से भी भक्त भगवान शिव की 1300 साल पुराने शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। शिव गणेश मंदिर के बारे में जानकार बताते हैं कि यह मंदिर 1300 साल पुराना है और एक ही पाषाण पर बनी अद्भुत प्रतिमा है। मंदिर में गुफा के साथ ही कुआ बावड़ी भी है। ऐसी मान्यता है कि कल्प वृक्ष के पास बैठकर मांगने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए मंदिर अपने आप में अद्भुत है। वर्तमान में यह गणेश मंदिर शंकर मंदिर के नाम से विख्यात है। यह गणेश शिव मंदिर सिवनी मालवा नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आज तो यह मंदिर नगर की आबादी के बाहर प्रतीत होता है। या ये कहा जाए कि नगर आबादी धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर सरकते हुए 3 किलोमीटर तक बढ़ गई है। शायद इसलिए कभी नगर के मध्य स्थापित यह मंदिर अब नगर के बाहर हो गया है। सिवनी मालवा नगर का यह शिव गणेश मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है। इसका एक कारण यह भी है कि मंदिर में स्थापित गणेश भगवान की प्रतिमा और प्रतिमा के ऊपर का मंडप एक ही पत्थर पर उत्कृष्ट मूर्ति कला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। खाली है बहुत, नर्मदापुरम में सिवनी मालवा में गणेश शंकर मंदिर के साथ प्रचलित है और ये इसकी मान्यता बहुत 1300 वर्ष पुराना गणेश मंदिर है और गणपति जी की मूर्ति है स्वयंभू, वो अष्टधातु वो बाद नहीं है और इसका बहुत बड़ा महत्व रिद्धि सिद्धि कल्पवृक्ष धार है और शंकर जी है शिवलिंग से भोलेनाथ है और सुबह यहाँ पे आरती जो होती है सुबह 4 बजे भस्म आरती शिवरात्रि को बड़ा पर्व होता है और शाम को आरती होती है तो श्रृंगार होता है भोलेनाथ का और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है इस मंदिर। और यहाँ पे एक ऐसा कि नीचे गुफा गौरी बनी है, गुफा है नीचे, उसमें नर्मदा और जगन्नाथ मंदिर में जाती नीचे से गुफा है, उसमें पहले जाते थे अभी सब बंद कर चुके हैं और अभी मैं व्यवस्थित हूँ।